हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? आप सभी का स्वागत करते हैं एक और फ्रेश एपिसोड में, जिसका नाम है शामें आज़ादी। तो जी हाँ, जिस तरह से पिछली बार हमने जन्माष्टमी का प्रोग्राम भाई साहब के साथ मनाया था, कार्तिक शर्मा जी, उसी तरह आप सभी कितनी ह्यूज रिक्वेस्ट आई हमें कि एक और कार्तिक सर के साथ हमें प्रोग्राम करना है। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जानी मानी हस्ती हिमाचल की कार्तिक शर्मा जी, और साथ ही में जाने माने गिटारिस्ट जिनको किसी भी परिचय की जरूरत है नहीं भैया, और ऐसा कोई स्टेज इन्होंने भी ऐसा नहीं छोड़ा है। दोनों आपने साथ में बहुत परफॉर्म किया आपने, तो सनी नेगी जी भी हमारे पीछे जोरदार तालियां भाई के लिए होनी चाहिए। गड़गड़ाहट आपकी तालियों की कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी तालियां हम तक जरूर पहुंचेगी। और आज भी हम बैठे हैं क्यू कैफे में, टोरेंशियम लॉज में बेसिकली हम बैठे हैं, और ये जो एरिया है ये कॉन्फ्रेंस एरिया है उनका। तो सारे हम अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको दिखाएंगे, इसे भी आप बुक कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं आपकी। तो गाइज, आज की शाम है शामें आज़ादी। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी भारत देश को। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, मतलब 15 अगस्त। तो आज की शाम भी बहुत रंगीन करेंगे, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आप हमें देख पा रहे हैं सिटी चैनल के चैनल नंबर 101 पे, साथ ही हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं लिंक्डइन पे, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख रहे हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हमें देख रहे हो, प्लीज़ हमें ज़रूर अपने फीडबैक दें कि आपको कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम्स। और कार्तिक सर तो परमानेंट ही हो गए हमारे साथ, हर प्रोग्राम में सर को बुलाया करेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत से। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम ऐ मेरे प्यारे वतन से, तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो कम ऑन कार्तिक सर। जी बिल्कुल। सो उससे पहले मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे देश के उन आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के लोगों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। और क्योंकि बहुत दिल में उस माँ के जो अपने बच्चे को आर्मी में भेजती है, एक प्राउड भी फील रहता है, और उस माँ के अंदर थोड़ा सा डर भी रहता है। तो ये गाना मैं उन सभी के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, और पूरे देशवासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए। तो ये गाना आप सभी के बीच में। सो गाइस, हियर वी आर। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है तू, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे
वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, हे तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए फिर से एक बार। दिल के चोर कार्तिक शर्मा जी हमारे बीच फिर से, हमारी दिलों की धड़कन बन चुके हो कार्तिक सर आप, और लास्ट शो के बाद काफी आपको तारीफें भी मिलने को मिली है, तो जरूर थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और आज बात कर रहे हैं हमारे देश की, और कहते हैं भाई कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो आदमी नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह, तो चलिए जी स्वदेश के लिए प्रेम बढ़ाते हुए आज सभी मिलकर वो झंडा फहराएंगे और शपथ लेंगे कि अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार रहेंगे अगर ऐसी नौबत कभी आए। तो चलिए जी, अगला गीत कौन सा है जो आप हमारे दर्शकों के लिए या फिर हमारे आर्मी ऑफिस के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये गाना बहुत बहुत प्यारा गाना है और ये बॉर्डर मूवी का सॉन्ग है, संदेश से आते हैं। सो ये गाना सभी का बहुत फेवरेट है और आई होप कि आप सभी का भी बहुत फेवरेट होगा, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ ज़रूर गुनगुनाइएगा इस गाने को। सो आप सभी के बीच में जी शाह, और ये गाना सुन के ना रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए एकदम। चलिए, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे मेरे गांव में है जो वो गली जहां रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके
बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। वापस आऊंगा घर अपने गाँव में उसी की छाँव की, माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जोरदार तालियां एक और बार होनी चाहिए कार्तिक सर के लिए। और ये गाना जहां तक कि आपको बता देना चाहूंगा कि बॉर्डर फिल्म का ये गाना है और हर किसी के दिल में इस गाने की एक बहुत अलग जगह है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं कार्तिक सर अगर आपने भी देखी होंगी तो, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वहां पे भी बहुत टैलेंट छुपा है। बिल्कुल, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स अपनी जान पर खेल के वहां जाते हैं लेकिन उनके अंदर भी कुछ कुछ टैलेंट्स हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि काफी, जैसे सीमा पे कई जवान हैं या फिर इवन सियाचिन में भी कुछ जवान जो हैं वो वहाँ पर रह के भी आपस में यूनिटी के लिए ये वाले गाने गाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स ऑफ दिस सॉन्ग, और उस समय का ये गाना आज भी इतना हिट है और आज भी हम सभी के दिलों में वास करता है। तो कार्तिक सर बिना किसी देरी के जी एक और छोटा सा नगमा सुनाते हैं। बिल्कुल, पर सुनाते हैं एक छोटी सी छोटी सी ब्रेक के बाद। गाइज कहीं मत जाइएगा, एक छोटी से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। और ये ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि भाई कलाकार है, मशीन तो नहीं है, और ये गला है भैया मशीन तो नहीं है। तो भाई थोड़ी सी एक छोटी सी टी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वापस आके मिलते हैं और सुनेंगे आज देशभक्ति के और भी कुछ गाने कार्तिक सर की आवाज़ में। तो चलो भाई आओ वापस मिलते हैं वापसी। तो हाँ जी बंधुओं, स्वागत करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आई होप आपकी चाय खत्म हो गई होगी, और खत्म नहीं हुई तो सिप सिप करके इस अगले गीत के साथ पिएगा जरूर। तो आप हमें देख रहे हैं सिटी चैनल के चैनल नंबर 101 पे, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज पर आप हमें देख रहे होंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें देख रहे होंगे, कुछ लोग लिंक्डइन पर भी देख, काफ़ी प्रोफेशनल लोग होंगे वो जो लिंक्डइन पर देख रहे होंगे। नहीं तो जहाँ कहीं भी देख रहे हो भाई साहब, हमारे को तारीफें तो क्या, मतलब फीडबैक आना चाहिए, तारीफें भी कर सकते हैं आप लोगों को फायदा है। तो चलिए जी अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। तो ये गीत डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग हमारी आर्मी के लिए, और ये इस बार गीत गा रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स के घर वाले। और क्या गीत गा रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स के घर वाले, आइए सुनते हैं। चलिए क्या बात, चिट्ठी चिट्ठिये नी दर्द फिराक वालिये, ले जा संदेशा सुने यार दा, ले जा संदेशा सुने यार दा, तैनू वास
ताए दिल दी पुकारदा तैनू बस ताए दिल दी पुकारदा चिट्ठिए 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 दर्द फिराक वालिए ले जा संदेशा सुन यारदा हो ले जा संदेशा सुन यारदा पल्ले विचों अग दे अंगारे नहीं छुप दे हो पल्ले विचों अग दे अंगारे नहीं लुक दे इश्क ते मुश्क छुपाए नहीं छुप दे फिर भी ये राज जाने जाती है दुनिया होठों से लगा ले चाहे ताले कोई चुप दे होठों से लगा ले चाहे ताले कोई चुप हो बूटा पथरा ते उगदा ए प्यार दा चिट्ठिए नी दर्द फिराक वालिए ले जा संदेशा सुन यार दा ओ ले जा संदेशा सुन यारदा तैनू वास्ता ए दिल दी पुकारदा तैनू वास्ता ए दिल दी पुकारदा चिट्ठिए नी दर्द फिराक वालिए ले जा संदेशा सुन यारदा हो ले जा संदेशा सुन यारदा हो ले जा संदेशा सुन यारदा क्या बात है जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई साहब कार्तिक सर के लिए एक और बार और क्या लाइनें गाई हैं भाई कि बूटा पत्थरा ते उगदा है प्यार दा मतलब इतनी डीप मीनिंग वाली बात है और इसी तरह है कि प्यार पत्थरों में भी उग सकता है तो भैया आपस में थोड़ा बनाए रखें प्यार बरकरार रखें लड़ने से कुछ नहीं होता भाई भाई आपस में लड़ेंगे तो बाहर के लोग शोर ज्यादा मचाएंगे क्यों क्या बात है तो यूनिटी बनाए रखें हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान एक है वी आर वन और ऐसे ही अगला गीत प्रस्तुत करते हैं आप सभी के बीच हिंदुस्तान की बहुत पुरानी एक संस्कृति है हिंदू राष्ट्र जब एक महाराष्ट्र हुआ करता था जी। एक महाराष्ट्र संपूर्ण देश था जब नहीं यार संपूर्ण देश तो हो गया अच्छा सॉरी तो उन दिनों जब हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा नहीं गया था तो उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था आज भी ये सोने की चिड़िया बनने के रास्ते पे अग्रसर है लेकिन उस समय के लोगों ने किस तरह से अपने हिंदुस्तान की जो गाथा है वो बताई है किस तरह से लोगों ने बताया कि उस समय क्या होता था और आज हम कंपेयर कर ही सकते हैं उस चीज़ को लेकिन उस समय क्या क्या होता था तो आज उस गीत में हम गाएंगे और गीत का नाम है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा तो चलिए सर
सो ये गाना जितने लोग भी सुन रहे हैं आप सभी के लिए, और बहुत पुराना गाना है और सबकी जुबान पे भी है, तो इसलिए इस गाने को गाने का मज़ा आएगा, और 15 अगस्त भी है सो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हियर वी आर आप सभी के बीच में सनी नेगी जी से हम शुरू करेंगे। सो वेल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम, जहाँ धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई ना ताला डाले, कोई ना ताला डाले, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये श्याम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है तेरा।
क्या बात है भैया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन के उस्ताद हमारे बीच कार्तिक शर्मा जी। और भाई साहब, बिना साज के एक सिंगर का कोई राह नहीं मिल सकती सिंगर को, तो भाई। बट मैं सनी नेगी जी का थैंक यू करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि वो मेरे साथ अभी इस स्टेज पे हैं, क्योंकि हम बहुत जगह पे हमने वेरियस स्टेजेस पे हमने को परफॉर्म किया है। और मैं किसी भी स्टेज को कभी छोटा नहीं समझा है। हमारे लिए हर स्टेज एक बहुत बड़ा 7-star प्रॉपर्टी है हमारे लिए हर स्टेज। तो मैं थैंक यू करता हूँ सनी नेगी जी का कि वो हमारे साथ हैं आज। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन भाई की जो कला है बहुत बेबाकी से बोल जाती है यार। तो भाई के लिए ज़्यादा ताली एक बार होनी चाहिए। और जी हाँ, इस गाने में बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया है कि एक आइडियल इंडिया कैसा होना चाहिए, हमारे सपनों का भारत देश, जो आज हम अपनी आंखों में सपना लेकर हर जवान आज उठ रहा है सीमा पर, और यही सपना लेकर उठ रहा है कि जिस जिस तरह से व्याख्यान इस गाने में किया गया है, उस तरह का भारत देश उन्हें देखने को मिले। और ये बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम सब भारतवासी एक साथ खड़े होकर अपने भारत के लिए जी जान भी देने को तैयार हो जाए। तो चलिए जी, जाते जाते क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, कार्तिक सर ये लोग अभी भी सुनना चाहते हैं, मुझे आवाज़ें आ रही है वंस मोर, लेकिन देखिए जी समय हमें इतनी इजाज़त नहीं देता, लेकिन जाते जाते एक एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा भारत माता के नाम का एक और पेट्रियोटिक सॉन्ग गाने वाले हैं, और उसके बाद लेंगे आप सभी से विदा। और जहां कहीं भी आप हमें देख रहे हैं यार, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज को। और जय हिंद कमेंट करके तो प्लीज जाएं, डोंट स्क्रॉल विदाउट सेइंग जय हिंद ऑन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए सर, कौन सा गाना गा रहे हैं आप? AR रहमान साहब का एक बहुत प्यारा गाना है, वंदे मातरम। सो वो आप सभी के बीच में। सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, हो माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।
किंग विजन सर, देखो हम बहुत छोटे कलाकार हैं, बट हैट्स ऑफ भैया, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हमारे बीच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आज के लिए, थैंक यू सो मच सनी नेगी भाई, थैंक यू सो मच. कुछ बोलेंगे अपनी ऑडियंस को जाते जाते? हैप्पी 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. अरे अरे, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन जो गुहार आज लगाई है पूरे हिंदुस्तान में जाकर गूंजेगी आपके इस गिटार की. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, और भाई आपका तहे दिल से स्वागत. थैंक यू सो मच, और शुक्रगुजार हूँ मैं. और सेकेंडली, जो लोग वहाँ देख रहे हैं और जिन्होंने लाइक बटन पे ना हाथ रख लिया है कि भैया लाइक करेंगे, लाइक कर दो फटाफट, रिएक्शंस भेजो, साथ ही में शेयर कर दो अपनी पूरी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि ये 15 अगस्त सबसे अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि ये देश डिजिटल एरा में 15 अगस्त मनाएगा. ड्यू टू कोविड बहुत सारी सिनेरियोस चेंज हुए हैं इंडिया के, लेकिन हमारी भारत देश की एकता ये बताती है कि कोविड जैसा की महामारी भी हमें रोक नहीं सकती हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने से. थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड. आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ भैया क्या देखोगे नेक्स्ट इस चैनल पे. तो चलिए जी, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम.